हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 20 फरवरी 2023 का सेकंड पाली के हिंदी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट एक का उत्तर मिलान करें। तो प्रश्न नंबर 1, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर दो, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ओष्ट। क्वेश्चन नंबर 3, लो कौन व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर सी, अंतस्य व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, युग्मक की। क्वेश्चन नंबर 5, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, महाप्लस आशय। क्वेश्चन नंबर 6, एकमात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, ह्रस्व। क्वेश्चन नंबर 7, अक्षोत्रोज्ञ कौन व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 12, आम्र शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 13, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, भगवती। क्वेश्चन नंबर 14, कारक के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 15, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 16, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सूर्या। क्वेश्चन नंबर 18, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, पद। क्वेश्चन नंबर 19, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 20, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 21, परिवार शब्द का विशेषण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिया का मूल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, धातु। क्वेश्चन नंबर 23, शिवम आ रहा होगा शिवम
आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल का। क्वेश्चन नंबर चौबीस जिसके साथ क्रम की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए संक्रमक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या खाया? क्वेश्चन मार्क किस क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए संक्रमक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 26 भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 हु आर सुदराज किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर 28 लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 29 सेन साहब की लड़कियां कैसी है? तो ऑप्शन नंबर सी सुशील। क्वेश्चन नंबर 30 मदन किसका बेटा था? ऑप्शन नंबर बी गिरधर का। क्वेश्चन नंबर 31 वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी परिचित। क्वेश्चन नंबर 32 कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 33 हर्क्स क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 34 नीवंश विद्या का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 34 का ऑप्शन नंबर ए मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 35 कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 36 शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आलता। क्वेश्चन नंबर 37 मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 38 नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय लिपियों की कहानियों से। क्वेश्चन नंबर 39 निर्मला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी लेखक की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 40 सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी अमरकांत की। क्वेश्चन नंबर 41 एथेंस किस महादेश में है? तो ऑप्शन नंबर डी यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 42 टॉलस्टॉय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए रूसी लेखक। क्वेश्चन नंबर 43 कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 44 बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो ऑप्शन नंबर सी रसीम वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 45 बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 46, एवेन्यू क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए ईसाई मठ। क्वेश्चन नंबर 47, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले ने। क्वेश्चन नंबर अड़तालीस, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इनमें से सभी होगा, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1999। क्वेश्चन नंबर 49, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 50, कोई संस्कृत जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? ऑप्शन नंबर ए बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर इक्यावन, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 52, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पुनः जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 54, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सु। क्वेश्चन नंबर 55, समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ओता। क्वेश्चन नंबर 56, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी उपेक्षित। क्वेश्चन नंबर 57, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मेल। क्वेश्चन नंबर 58, परमेश्वर कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 59, शिव पार्वती कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर बी द्वंद समास है। क्वेश्चन नंबर 60, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी पदबंध। क्वेश्चन नंबर 61, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए किसी आदमी को भेज दो। क्वेश्चन नंबर 63, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 64, आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 65, संवेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी संवेदज। क्वेश्चन नंबर 66, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्म का फल भोगना। क्वेश्चन नंबर 67, विधवा शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सधवा। क्वेश्चन नंबर 68, रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी
रजनी। क्वेश्चन नंबर 69, बिना अंकुश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर डी, निरंकुश। क्वेश्चन नंबर 70, फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर सत्तर फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, सोच विचार कर काम करना। क्वेश्चन नंबर 71, गुरु नानक का जन्म स्थान नाना काना साहब अब कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 72, रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, खिलजी राजवंश में। क्वेश्चन नंबर तिहत्तर त्रिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, तीनों लोक। क्वेश्चन नंबर 74, ठठे विदेशी ठाट सब बन्यो दस विदेश सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 75, गुंजन किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 76, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत माता। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, हुंकार। क्वेश्चन नंबर 78, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 79, अगेन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 80, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक सभ्यता की दुर्दरता मानवीय भविष्यिका का। क्वेश्चन नंबर 81, पुष्करिणी किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर, यानी कि 81 का ऑप्शन नंबर डी, अगेन की। क्वेश्चन नंबर 82, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से नगर संवेदना की कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 84, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 85, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, कवि ने कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 86, नदियां मैदान बंगाल के बुलाए गए मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ऑप्शन नंबर ए, लौट कर आऊँगा फिर। क्वेश्चन नंबर 87, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ रिल्के। क्वेश्चन नंबर 88, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए, जीवानंद दास की।
क्वेश्चन नंबर नवासी लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रयाग शुल्क। क्वेश्चन नंबर 90 अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगों के ढो को बेटा क्या समझाता है? तो ऑप्शन नंबर ए माँ। क्वेश्चन नंबर 91 मगम्मा क्या बेचती थी? तो ऑप्शन नंबर बी दही। क्वेश्चन नंबर 92 यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर डी कैलाश ने। क्वेश्चन नंबर 93 ढूंढते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सात कोडी होता। क्वेश्चन नंबर 94 ढूंढते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो ऑप्शन नंबर ए डेलेई बांध की। क्वेश्चन नंबर 95 मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी कमू। क्वेश्चन नंबर 96 लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 97 कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो ऑप्शन नंबर डी वलील अम्बाल। क्वेश्चन नंबर 98 वलित अम्बाल के गांव का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए मुनांडी अपटिट। क्वेश्चन नंबर 99 धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो ऑप्शन नंबर बी अपना काला ओढ़ना देखकर। क्वेश्चन नंबर 100 धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी कैलाश।